तो फैंटेसी मूवीज के दीवानों के लिए एक नया सीजन आ चुका है व्हील ऑफ द टाइम का, और क्या ये हमें वही फील पुरानी वाली दे रहा है जैसे कि हमने हैरी पॉटर एंड लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में ली है, ये फील वापस वो हमको सेंटिमेंट में बैठा रहा है या फिर नहीं, तो चलो देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है निशाचर से, जिसे मारने की कोशिश की गई और वो कभी मरा नहीं बल्कि और भी ताकतवर हो चुका है। और अगले तरफ अपना जो ड्रैगन है, हाँ अपना ड्रैगन, जो अपनी शक्तियों को सीखने में और कंट्रोल करने में और हमारे निशाचर की देवी के प्यार में पागल हो चुका है, तो उसी लिए उनको बचाने के लिए आई से डाइज आती है, उनको समझाती है कि ये निशाचर की देवी है तो निशाचर के साथ रहने वाली, तो तुम इसके बातों में ना आओ, तो ये बात समझ जाता है कि निशाचर की देवी है। फिर ये बंदा मिलता है हमारे मनी हाइस्ट के प्रोफेसर से और ये ट्रेनिंग लेता है कि ड्रैगन की शक्तियों को कैसे कंट्रोल एंड यूज कर सके। तो हमारे ड्रैगन भैया ने अपने दोस्तों को खोज लिया है और इनके साथ आई से डाइज मिलकर के भिड़ते हैं हमारे निशाचर से और उसको हरा देते हैं। और फिर इसके बाद ये रास्ता खोलता नजर आता है सीजन 3 को लेकर, और इसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि निशाचर था लेकिन उससे बड़े पोस्ट वाले भी शैतान अभी भी जिंदा है और हमारा ड्रैगन पूरी तरह वेल ट्रेंड है। पॉजिटिव नंबर 1, ड्रैगन निशाचर आई से डाई। अगर बात करूं मैं ड्रैगन की, तो ड्रैगन को सीजन 1 सीजन 2 तक बहुत अच्छे तरीके से बिल्डअप किया, उस बच्चे ने अपनी शक्तियों कैसे अडेप्ट किया हमें वो देखने को मिलता है। और बात करें निशाचर की, तो भाई साहब ये जो विलन है बहुत ही परफेक्ट विलन मुझको लगता है भाई, इसकी नाक देखो, फेस देखो, भाई एक परफेक्ट विलन जादूगरी मुझे जो लगता है, तो ये मुझे ये निशाचर लगता है। और अगर बात करें आइसडाइस की, तो बहुत ही खूबसूरत आइसडाइस देखने को मिलती है और इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है और फिल्म में आप लोगों की कुछ ग्लैमरस सीन भी देखने को मिल जाएंगे, तो रेडी रहो। पॉजिटिव नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी। अगर बात करें इस फिल्म के कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी की, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बिल्डअप करके हमको देखने को मिल रहा है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे एक शो होता है हमको उस तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है और बहुत ही मजा आता है इसके एपिसोड को देखने में। पॉजिटिव नंबर 3, सिनेमाटोग्राफी, स्क्रीन प्ले एंड VFX। बात करें सिनेमाटोग्राफी की, तो फ्रेम बाय फ्रेम बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी देखने को मिलती है। और बात करें VFX की, तो आपको लगेगा नहीं कि इस फिल्म में VFX का इस्तेमाल किया हुआ है 1 रुपए का, भाई इट्स मच टू रियलिस्टिक। अगर बात करें स्क्रीन प्ले की, शुरू से लेकर अंत तक बहुत अच्छे तरीके से फिल्म सीरीज आपको बांधी रखती है और बहुत ही मजा देती है सीरीज। नेगेटिव नंबर 1, स्ट्रेचिंग। अगर बात करें इस सीरीज की सबसे बड़ी खामियां की, अगर आप शुरू से लेके एपिसोड 8 तक लगातार देखते हो, तो आपको ये फील होगा कि ये सीरीज कुछ ज्यादा ही खींची जा रही है। लेकिन अगर ये चीज को, अगर तुम खामियों को दूर रख के अगर सीरीज को देखते हो, मैंने इसे डे बाई वीक बाई वीक देखा तो मुझे ये स्ट्रेच नहीं लगी, लेकिन तुमको ये लगेगी, मुझे भी थोड़ा थोड़ा फील हुआ ये कि बहुत स्ट्रेची है। तो ओवरऑल इतनी खामी, ये एक ही खामियां थी, स्ट्रेचिंग बस और कुछ नहीं। और रही बात ये मेरे ओपिनियन की, तो सीरीज बहुत अच्छी है, वॉचेबल है, तो तुम देखो, मैं हाईली रिकमेंड करता हूं। अगर इस वीडियो में प्रॉब्लम, शकील बोलता, तुम समझ करते, ठीक, अगली वीडियो में मुलाकात होगी बहुत जल्द।